पोर्शा इंडिया ने अपने पोर्टफोलियो में दो नए मॉडल जोड़े हैं जिनमें 718 बॉक्सर GTS 4.0 और 718 Cayman GTS 4.0 शामिल हैं। नए टू सीटर रोस्टर अब भारत में ऑर्डर के साथ उपलब्ध हैं, जहां 718 Cayman GTS 4.0 की कीमत 1,40,00,000 रुपए है, वहीं 718 बॉक्सर GTS के लिए आपको 1.5 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, सभी कीमतें एक शोरूम। पोर्शे Cayman एक दो दरवाजों वाली कूपे है जबकि बॉक्सर एक कैबरियोले है। दोनों मॉडलों में 20 इंच के अलॉय व्हील, GTS स्पेक फ्रंट एप्रन, बड़े एयर इंटेक, काले एयर ब्लेड्स और फ्रंट स्पॉयलर सहित कई साइकिल पार्ट्स हैं। रियर विंग ऑटोमेटिक रूप से 125 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पर खुल जाता है। ताकत के लिए 4 लीटर 6 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 395 VHP और 430 NM बनाता है। इंजन को 7 स्पीड PD के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जो पिछले पहियों को ताकत देता है। कारों में पोर्शा स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, टॉर्क वेक्टरिंग और पोर्शा एक्टिव सस्पेंशन मैनेजमेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्कोडा ऑटो इंडिया इस साल मार्च में भारत में स्लाविया कॉम्पैक्ट सेडान लॉन्च करेगी। कार ने पिछले साल नवंबर में अपना ग्लोबल डेब्यू किया था। ये भारतीय बाजार में रैपिड सेडान की जगह लेगी। नई पेशकश कंपनी के लोकल MQB A0 इन प्लेटफॉर्म पर बनी है और ये उन 4 नए वाहनों का हिस्सा है जिन्हें कंपनी भारत में 2.0 रणनीति के तहत फोक्सवैगन के साथ लॉन्च करने की योजना बना रही है। स्कोडा ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि स्लाविया को 3 वेरिएंट्स में पेश किया जाएगा, एक्टिव, एम्बिशन और स्टाइल, और इसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। इंजन विकल्पों में 1 लीटर TSI पेट्रोल और 1.5 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल हैं। ट्रांसमिशन के लिए 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और 7 स्पीड TSD शामिल होंगे। कार में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, वेंटिलेटेड सीटें, सनरूफ और काफी कुछ मिलेगा। स्लाविया की स्कोडा की नई एंट्री लेवल कार होने की उम्मीद है। दो में बेची गई 1,07,36 यूनिट्स की तुलना में 2021 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में 132% की बढ़त हुई है और इस साल 2,33,971 वाहनों की बिक्री हुई है। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में पिछले साल बिके 1,42,829 वाहनों के मुकाबले काफी अच्छी बढ़त देखी गई है। कुल मिलाकर इस सेगमेंट में 425% की बढ़त हुई है और ओवरऑल बिक्री में इसकी हिस्सेदारी 61% है। इसके मुकाबले 2020 में केवल 27,206 वाहनों की बिक्री हुई थी। लो स्पीड वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन जिनका रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है ने इस सेगमेंट में 2021 में 91,142 यूनिट की बिक्री के साथ 24% की बढ़त हासिल की है। पिछले साल हीरो इलेक्ट्रिक 46,214 यूनिट के साथ सबसे ज्यादा बिकने वाला टू व्हीलर ब्रांड रहा, जिसके बाद ओकिनावा का नंबर आया। तीसरे नंबर पे एथर था जिसने 15,836 वाहनों की बिक्री की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।